नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल स्काई। हनुमान जी के दर्शन पाने के लिए अक्सर लोग मंगलवार को व्रत रखना और ना जाने क्या क्या टोटके करते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से हनुमान जी सपने में दर्शन देते हैं या फिर अन्य रूप में आपको अपनी मौजूदगी का एहसास करवा सकते हैं। लेकिन ये कार्य थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यदि आप में सच्ची मेहनत और लगन है तो इस अनुष्ठान को आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को हनुमान जयंती या किसी अन्य शुभ दिन से शुरू करें तो विशेष फल प्राप्त होता है। इस उपाय को करते समय सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा, साथ ही नाखून काटना, बाल या दाढ़ी कटवाना, शराब व मांस का सेवन भी निषेध है। किसी अन्य शुभ दिन या फिर हनुमान जयंती का दिन हो तो और भी शुभ है। इस दिन स्नान आदि करने के बाद एक लोटा जल लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं। उस जल से हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराएं। पहले दिन एक दाना साबुत उड़द का हनुमान जी के सिर पर रखकर 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद अपनी इच्छा को हनुमान जी के सामने कहें और वे उड़द का दाना लेकर घर लौट आएं। इसके बाद उसे अलग रख दें। दूसरे दिन से एक एक उड़द का दाना रोज बढ़ाते रहें और इसी तरह हनुमान जी की परिक्रमा करते रहें। आपको ऐसा 41 दिन तक करना है। 42वें दिन से एक एक दाना कम करते रहें। माना जाता है कि 81 दिन पूरे होने पर हनुमान जी सपने में दर्शन देते हैं व भक्त की मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद भी देते हैं। ध्यान रहे कि इस अनुष्ठान के दौरान जितने भी उड़द के दाने आपने हनुमान जी को चढ़ाए हो उन्हें नदी के जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को सही ढंग से करने से आपको हनुमान के दर्शन हो सकते हैं। लाइफस्टाइल से जुड़ी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल स्काई।